जय माता दी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि के राशिफल के बारे में दिनांक 5, 6, 7, 8, 9, 10 सितंबर के लिए। वीडियो पूरा देखें और व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। आज आपसे हमारा एक विशेष अनुरोध है। हमारा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम जलपरी है। हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इन दिनों चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे और फिर सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। इसीलिए आपको इन दिनों इन्हीं भावों के कारकत्वों के अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। इन दिनों की शुरुआत में जिस वक्त चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के षष्ठम भाव में होगा, उस वक्त आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, जिससे आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। ये समय आपकी माताजी के लिए भी अच्छा साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको प्रॉपर्टी संबंधित हर मामले में सोच समझ कर चलने की जरूरत होगी, अन्यथा इसको लेकर कुछ वाद विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। आपको अचानक से किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। अगर किसी कार्य को पूरा करने के लिए धन की कमी महसूस हो रही है, तो इस समय आप उसके लिए किसी से कर्जा भी ले सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से व्यापारियों को अपने व्यापार में उन्नति मिलेगी। इससे आपको लाभ होगा और आपके अपने साझेदार से संबंध भी अच्छे होंगे, जिससे आप दोनों अपने व्यापार के विस्तार की ओर नए प्रयास कर पाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन को देखें तो उसमें प्रेम और आकर्षण रहेगा। साथ ही माताजी और जीवन साथी से आपके संबंध सुधरेंगे, जिससे आप दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान बरकरार रहेगा। इस समय जीवन साथी को आपके चलते अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी या उम्मीद है कि उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए, जिससे आप भी प्रसन्न दिखेंगे। हालांकि हफ्ते के मध्य में चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होने से आपको खुद की इच्छाओं पर ध्यान देना होगा, तभी आपको अपने शोध भरे कार्यों में या गूढ़ रहस्यमय विषयों में सफलता हासिल हो पाएगी। इस सफलता का स्वाद आपको बेहद पसंद आएगा और आप खुद के ऊपर नाज करेंगे। इस समय आपका मन आध्यात्मिकता की ओर अधिक लगेगा, जिसके चलते धर्म कर्म से जुड़े विषयों में भी आपकी गहरी रुचि बढ़ेगी और आप उन्हें और ज़्यादा जानने के लिए तत्पर नजर आएंगे। ये समय पिताजी के लिए अच्छा नहीं साबित होगा, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसीलिए उनका ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सक से सलाह लें। इसके साथ ही यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे, तो चंद्रमा के नवम भाव में गोचर के दौरान ये बदलाव शुभ रहेगा। इस समय आप जिस भी कार्य को दिल से करेंगे, उस प्रत्येक कार्य में आपकी अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। इसके चलते समाज में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, जिससे परिवार के लोग आप पर गर्व करेंगे। इस समय संभावना है कि आपको किसी सुदूर यात्रा पर जाना पड़े, लेकिन इस यात्रा से आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। यदि आप प्रॉपर्टी का कोई लेन देन करने जा रहे हैं, तो अभी उस कार्य को ना करें, क्योंकि इसमें विवाद की संभावना है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और एक शेयर जरूर करें। इस पर आपकी हर मनोकामना को पूरी करें जय माता दी।